वक्रासन के लिए दंडासन में सीधे बैठ जाते हैं और सीधे बैठ करके दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लेते हैं। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ा, जितना अधिकतम मोड़ सके, बाएं पैर की जंघा के पास उसको सटा करके रख दिया। अब दाहिना हाथ पीछे टिका हुआ है, बायां हाथ उठाया, उसको दाहिने पैर की जंघा और छाती के बीच से ऐसे निकाला और क्रॉस करके बाएं पैर को घुटने के पास ऐसे पकड़ लेते हैं। जो ऐसे ना पकड़ पाए वे हाथ को दाहिने पैर की पंजे के पास ऐसे भी रख सकते हैं। जब ऐसे पकड़ लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। यह पेट के लिए, पीठ के लिए, खास करके डायबिटीज के लिए विशेष उपयोगी है। जो लोग अर्धमत्स्येंद्रासन नहीं कर सकते, वो वक्रासन करके अर्धमत्स्येंद्रासन से होने वाला पूरा लाभ पा सकते हैं। इसमें श्वास की गति सामान्य रख सकते हैं और श्वास को बाहर छोड़ करके भी कर सकते हैं। कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखते हैं, फिर दाहिना पैर सीधा कर दिया, बाएं पैर को मोड़ लेते हैं और दाहिने हाथ से दाहिने ही पैर के घुटने को ऐसे क्रॉस करके पकड़ लेते हैं और यूं कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखते हैं। पेट में पूरा घुमाव आता है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज का पूरा व्यायाम होता है वक्रासन में।